नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक इवेंट्स में से एक कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल ने अपने 2024 एडिशन के लिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ डिजिटल कीपसेक्स लॉन्च करने के लिए लीडिंग नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ओपनसी के साथ सहयोग की घोषणा की है। फेस्टिवल में 3 अलग अलग NFT कलेक्शंस जारी करने की योजना है, जो होल्डर्स को विशेष अनुभव और मर्चेंडाइज तक पहुंच प्रदान करेंगे। इस कदम का उद्देश्य इनोवेटिव वेब3 टेक्नोलॉजीज के माध्यम से फिजिकल को डिजिटल के साथ मिश्रित करके फेस्टिवल में आने वाले लोगों के अनुभव को और बेहतर बनाना है। अवलांच ब्लॉकचेन पर होस्ट किए जाने वाले NFTs को 3 फेजेस में जारी करने की योजना है, जिसमें शुरुआती गिरावट के साथ 1000 NFTs अन्य लाभों के साथ VIP एक्सेस प्रदान करेगी। कोचेला के इनोवेटिव लीड सैम शुनोवर्क ने इस पहल को भविष्य की दिशा में एक कदम के रूप में रेखांकित किया, जहां डिजिटल टोकन की ओनरशिप अधिक पर्सनलाइज्ड इवेंट एक्सपीरियंस की अनुमति देता है। ये कोलैबोरेशन मेन स्ट्रीम इवेंट्स के भीतर NFT यूटिलिटी को एकीकृत करने के एक उल्लेखनीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपस्थित लोगों के लिए कलेक्टेबल आर्टवर्क और टैंजिबल फेस्टिवल सुविधाओं का एक यूनिक ब्लेंड लाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। Ubisoft Ethereum NFT कार्ड गेम क्रॉस द एजेस के कोलैबोरेशन से अपने बड़े बजट वाले वीडियो गेम फ्रेंचाइज में से एक को क्रिप्टो दुनिया में ला रहा है, जो वॉच डॉग सीरीज से प्रेरित इन गेम कार्ड्स लॉन्च करेगा। एक ट्वीट और Ubisoft के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्विस पर एक घोषणा के अनुसार, वॉच डॉग्स गेम फ्रेंचाइज से प्रेरित कार्ड 3 अप्रैल को क्रॉस द एजेस में खरीद के लिए जारी किए जाएंगे। कोई और डिटेल्स जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन नीचे दिए गए पहले ट्रेलर में ओरिजिनल 2014 गेम विजिलेंट हीरो एडन पियर्स को दिखाया गया है। वॉचडॉग सीरीज ने अब तक कंसोल सिस्टम और PC पर 3 ओपन वर्ल्ड एक्शन एंट्रीज का विस्तार किया है। हर ने अलग अलग कैरेक्टर्स और लोकेशंस पर प्रकाश डाला है, लेकिन वे निगरानी के उदय और आपके लाभ के लिए टेक्नोलॉजी को हैक करने की क्षमता जैसे विषयों से एकजुट थे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा करो। लग्जरी ब्रांड्स और एंटरटेनमेंट फिगर्स के साथ महत्वपूर्ण पार्टनरशिप और नए एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने से सैंडबॉक्स को लंबे समय तक क्रिप्टोकरेंसी बेयर मार्केट को झेलने में मदद मिली। को-फाउंडर सेबास्टियन बॉगेट और CEO आर्थर मैड्रिड ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म के नेटिव टोकन ने नए सिरे से रुचि गुची और लेकोस्टे के साथ नई पार्टनरशिप्स और वेब3 स्पेस में वर्चुअल एक्सपीरियंसेस का घर बने रहने के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में NFT पेरिस में कॉइन टेलीग्राफ से विशेष रूप से बात की। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट इंटेलिजेंस फर्म मसारी द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट सैंडबॉक्स के सैंड टोकन और प्लेटफॉर्म में नए सिरे से रुचि को उजागर करती है। 2023 की चौथी तिमाही में सैंड का सर्कुलेटिंग मार्केट कैप 89% बढ़कर $1.2 बिलियन हो गया, जो कि $649 मिलियन से अधिक है, जो उसी तिमाही में सभी क्रिप्टोकरेंसी के कुल मार्केट कैप से बेहतर प्रदर्शन करता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल के एक विकास में क्रिप्टो एक्सचेंज बायनांस ने कहा कि वह हाई नेटवर्क एक्टिविटी के बीच सोलाना के सोल के लिए विड्रॉल्स को निलंबित कर देगा। वर्तमान में सोलाना सोल की कीमत $58 बिलियन के मार्केट कैप के साथ $131 पर फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही सोलाना का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम 100% बढ़कर $9.5 बिलियन से अधिक हो गया है। बायनांस ने 4 मार्च 2024 से सोलाना नेटवर्क पर विड्रॉल्स के इंटरमिटेंट सस्पेंशन की घोषणा की है। ये निर्णय नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम में वृद्धि के कारण लिया गया था, जिससे कि कंजेशन इश्यूज पैदा हो गए थे। बायनांस ने खुलासा किया है कि उसने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर उन क्षेत्रों की पहचान की है, जिन्हें स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकता है। एक्सचेंज ने यह भी कहा कि वह इन चिंताओं को दूर करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और विड्रॉल इश्यूज का एक स्थिर और स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बायनांस के अनुसार सोल्यूशन के लिए एस्टिमेटेड इम्प्लीमेंटेशन डेट 9 मार्च 2024 18 UTC होगी। इस टारगेटेड टाइमलाइन का उद्देश्य डिस्ट्रप्शन को कम करना और बायनांस यूजर्स के लिए सोल विड्रॉल की सामान्य स्थिति बहाल करना है। बायनांस ने टेम्प्रोरी सस्पेंशन के कारण हुई किसी भी असुविधा के लिए माफी भी मांगी। मामले को तुरंत हल करने के लिए अपने समर्पण पर जोर दिया। ओवर टू रोशनी। यूरोपियन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटस्टैम्प ने मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से इन प्रिंसिपल रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त किया है। मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस जल्द ही बिटस्टैम्प को साउथ ईस्ट एशियन सिटी स्टेट में डिजिटल पेमेंट्स टोकन सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम करेगा। बिटस्टैम्प खुद को सिंगापुर में इन प्रिंसिपल अप्रूवल हासिल करने वाला प्रमुख यूरोपियन यूनियन की उपस्थिति वाला पहला क्रिप्टो एक्सचेंज बताता है। सिंगापुर में पूर्ण लाइसेंस प्राप्त करने वाला अंतिम क्रिप्टो एक्सचेंज साउथ कोरियन फर्म अपबिट था।
जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के लगभग 3.5 महीने बाद जनवरी में MPR लाइसेंस से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।